अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सरवत किचन एंड ब्लॉग्स में आप सबकी दावत है। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये है मेरी कुछ तैयारी। ज़्यादा मैंने इस बार कुछ नहीं किया, बस थोड़ी बहुत चीज़ मैंने बनाई है। यहाँ पर सेवई का ज़रदा है, शीर है, दही वड़ा है जिसमें से थोड़ा सा अभी खाया पिया गया है, और ये है छोला। और यहाँ पर मैंने प्याज, धनिया की पत्ती, मिर्च, ये सब काट कर रखा है। इमली की चटनी है, और ये सारा मसाला, ये जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, ये देखिए इसमें मैंने रखा है चाट का मसाला। और ये हैं ज़िकरान। ज़िकरान से अस्सलाम वालेकुम। No. प्लीज़, No, वाई यू एंग्री ज़िकरान? I वाई यू आर एंग्री? टेल मी ज़िकरान। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है, और सब लोग नमाज़ पढ़ के आकर सो गए हैं, क्योंकि इस बार कुवैत खाली है। सब लोग इंडिया गए हुए हैं ईद मनाने के लिए। कोविड के बाद सबको इस बार बहुत दिनों के बाद मौका मिला है ईद अपने अपने घरों पे करने का, और इत्तेफाक से समर वेकेशन भी है। तो बहुत कम लोग हैं जो आएंगे, लेकिन आराम से तो दोपहर तक आएंगे सब। तो मैं इंशाल्लाह वो सब भी क्लिप आप लोगों से शेयर करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूँ। और ज़िक्रान अभी भी एंग्री है। क्यों बेटा? अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, मम्मा Say के hi पास। गाइस, no. जल्दी से गुड्डा प्लीज़। अच्छे से हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस, शो मी योर ड्रेस। ओके, अपने फ्रेंड्स को अपना ड्रेस दिखा दो। कैसा आपका ड्रेस है ईद का, दिखाओ, शो मी। यू डोंट लाइक ब्लैक? No. ओके, आई विल चेंज, डोंट क्राई। Please अच्छे से, ईद मुबारक। ज़िक्रान भी सुबह सुबह उठ गए हैं, इसलिए अब इन्हें नींद आ रही है, और बिल्कुल बोर हो रहे हैं अभी, और नींद आ रही है इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और बहुत बोलने पर ये ईद मुबारक और सलाम कर रहे हैं। ओके बेटा, ले चलो, लेट्स गो। अभी हम लोग आए हुए हैं काशिफ भाई के यहाँ लंच पे, और लंच के बाद हम लोगों की चल रही थी गप शप। अंदर हो रही है बच्चों की मस्ती, क्या खेल रहे हो तुम लोग? यहाँ पर ये लोग का चल रहा है हाइड एंड सीक, और बाहर हम लोगों का लंच हो गया है, और उसके बाद हम लोग बैठकर गपशप कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट से ब्लॉग बनाना भूल गई थी कि मैं बाहर से ही बनाऊं, लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। फातिमा हाय कर दो, से हाय फ्रेंड। तो ये यहाँ पर बच्चों की मस्ती चल रही है, और हम लोग बाहर बैठकर कर रहे हैं गपशप। शेयरिंग इज केयरिंग, वेरी गुड। अब इन लोग का शेयरिंग इज केयरिंग, फिट हो गए दोनों। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कुकिंग हो रही है? बेटू क्या कर रहे हो? वाह स्विंग, वाह बिग स्विंग ज़िक्रान, बिग स्विंग। कोई भरोसा नहीं है। क्या है ज़िक्रान आपके हाथ में? ब्लून की तो हालत खराब हो गई है बेटा। ब्लून तो हम लोग अभी आए हुए थे यहाँ, और अभी एक घर से दूसरे घर गए थे घूमने, अंदर ही अंदर। मेरा जो रिजॉर्ट वाला व्लॉग था उसमें आप लोगों ने देखा होगा अंकल आंटी को, तो हम लोग अभी वहाँ गए थे घूमने के लिए, और वापस हम लोग आ गए हैं। अब थोड़ा यहाँ बैठेंगे और फिर जाएंगे अपने अपने घर। तो
दूसरे दिन की सुबह है और आज है हम लोगों के यहाँ दावत, डिनर की दावत है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टिकर आकर रखा हुआ था बहुत दिनों से, और बिल्कुल ऐसे हो रहा था ठीक है कल 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 करते हैं, लेकिन आज वो दिन आ गया कि हम लोग स्टिकर लगा रहे हैं। तो हम दोनों मिलकर यहाँ पर स्टिकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सही से लग जाए। और ज़िक्रान यहाँ पर कर रहे हैं मस्ती। ज़िक्रान, ज़िक्रान ने अभी अपना पजामा नहीं चेंज किया है, और ये देखिए चारों तरफ टिश्यू फेंका हुआ है। तो ये ज़िक्रान और ज़िक्रान की पेट का काम है। हम आए क्या? हाँ, तो पहले ये हम लगा लेते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। मेरी हेल्प है चाहिए क्या? हाँ। नीचे परफेक्ट, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम ईटिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो ये देखिए स्टिकर का काम हो गया है। अब मैं अपना डाइनिंग टेबल क्लीन करूँगी और यहाँ पर मैं वो सब बर्तन निकालूँगी जिसमें मुझे खाना सर्व करना है। तो उसे मैं पहले अरेंज करके देखूँगी कि वो कैसा लग रहा है और किस तरह से मुझे रखना है। यहाँ पर मैंने अपनी कुकिंग भी स्टार्ट कर दी है। ये मैंने रख दिया है मटन हलीम के लिए मटन, तो ये अभी गल रहा है। और यहाँ पर मैंने यखनी चढ़ा दी है मटन की, तो आज मैं मटन पुलाव बनाने वाली हूँ। साथ ही मैं तैयार करूँगी ये चटनी, और ये धनिया की चटनी मैंने बना ली है, प्याज मैंने काट के रखा है। पुलाव तो साथ साथ मुझे घर भी सेट करना है, क्योंकि अब ये देखिए कुशन और ये वो सारा कुछ अभी मिस हो गया है। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पर देखिए तैयारी हो रही है। ये बन रहा है हलीम, ये अभी हलीम की घुटाई चल रही है, और ये मेरा बन रहा है यखनी पुलाव। तो अब टाइम हो गया है यहाँ डिनर से, मैं सोच रही थी एक दो घंटा पहले मैं इसे दम के लिए रखूं, तो वो टाइमिंग सही रहेगी। सही टाइम पर मैंने बना रही हूँ। और ये देखिए मेरा टेबल, टेबल अभी पूरी तरह से लगा नहीं है क्योंकि डिनर अभी रेडी नहीं हुआ है। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ छोला रखा, शेर दही वड़ा और ये सेवई रखी है, और इसमें मुझे निकालना है देरी चिकन, इसमें मैं निकालूँगी कोफ्ता, और इसमें जाएगा हलीम। ये तैयार है छोला और हलीम के ऊपर खाने के लिए, ऊपर डालने के लिए। तो ये यहाँ पर मैंने रखा है तली हुई प्याज, फ्राइड अनियन और चॉप्ड अनियन, धनिया की पत्ती, नींबू, हरी मिर्च। तो ये सब हलीम और छोला वगैरह के ऊपर देकर खाने के लिए। और यहाँ पर मैंने बनाया है तीन तरह की चटनी, तो इसे भी हम यहाँ पे रख देंगे। क्या हो रहा है ज़िक्रान? बेबी को टॉयज दिए? क्या हुआ इब्राहिम बाल आपका? माय चकलू गॉन। वेयर इज योर चकलू? डैडी चकलू। डैडी चकलू। और ये कौन आई है बेटा? ये कौन है बेटू? ये कौन है? ये कौन है? आपी। मजा आ रहा है बिट्टू? यस। यहाँ पे बच्चों की मस्ती चल रही है क्या? ये हम क्या कर सकते हैं? लेट कौन आया? और ये सब चटनी वटनी सब यहाँ पे है, इमली की चटनी और नहीं बैठी ना तो आप
क्या चल रही है आप लोग? इन लोग का ठीक है, इन लोग का मजा आ रहा है माशाल्लाह। हमें लगता है सोफा के नीचे से निकला था। यहाँ पर मैंने बनाया है, ये देखिए, ये है यखनी पुलाव और ये है देगी चिकन, ये है शामी कबाब और रोटी है, यहाँ पर ये शीर है, सैलेड है, कोफ्ता है, ये इसमें मैंने रोटी रखा है फॉइल में ही ताकि रोटी गर्म रह सके, और इसमें हलीम है जो कि पहले से ही उसको मैंने रख दिया था तो वो खाया गया और सबको बहुत अच्छा लगा। तो बस मेहनत सफल हो जाती है अगर आपने कुछ बनाया हो, मेहनत किया हो और वो सबको अच्छा लगे। खाना रेडी है? जिक्रान कहाँ है? चलिए बेटा खाना लीजिए। तो उसका लॉजिक बेटा आपको क्या चाहिए? जिक्रान आप क्या लोगे? हो गया खाना पीना और सब लोग चले गए, सब लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जाते हुए मैं वीडियो बनाना ही भूल गई, बस बिजी हो गई सबको बाय अल्लाह हाफिज़ ये वो करने में। अल्हम्दुलिल्लाह दावत हो गई और बहुत अच्छा लगा। ईद हम लोगों की बहुत अच्छी हो गई, जब लोग घर पे आते हैं और एक अच्छा माहौल होता है तो बस उसी को तो ईद कहते हैं। सब लोग का आ जाना ही बहुत स्पेशल होता है और साथ ही उन लोगों ने हम लोगों के लिए मिठाइयाँ भी लाई हैं, ये देखिए ये सब तोहफा आया है हम लोगों के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस बात पे मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड और मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।